और मैं खुद ही गानों का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, तो ओके कैन यू हियर, ओके फाइन. सो आई सॉ यू नो झलक कल मोहम्मद रफी जी, किशोर कुमार जी, भूपेंद्र, लता मंगेशकर जी एंड मैडम, दे आर ऑल सच टैलेंटेड पीपल. बहुत मजा आया बिकॉज एक्चुअली क्या है, दो चीज मैंने देखा है साहब के लैपटॉप में, प्रेम जी के लिखा है म्यूजिक इज लाइफ फर्स्ट पॉइंट. तो अभी जिंदगी जिंदगी कराई जा रही है, तो म्यूजिक इज लाइफ, दैट इज वन ऑफ द कॉमन थ्रेड और बॉन्ड व्हिच हैज ब्रॉट ऑल ऑफ अस टुगेदर. और आप लोग कहीं आप बेंगलोर से आए, आप चेन्नई से आए, ऐसे बट देन द म्यूजिक बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग. कहीं भी हो विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स दैट एंड ऑल सच ग्रेट टैलेंट विल बी सीन. और यही जो पल है ना, जो आप बोल रहे थे पल पल जो बात कर रहे थे, ये जो है नॉस्टैल्जिक चीजें हैं, कभी वापस नहीं आएगी. लेकिन इतनी जो हैप्पीनेस या जो भी बोलते हैं ना, उसमें आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा कि एंड यू ऑल्सो फील नाइस दैट यू हैव शेयर, यू हैव बीन एबल टू मेक सो मेनी पीपल हैप्पी फॉर दैट वन और टू थ्री आवर्स वॉट एवर, एंड यू पीपल आर रियली गिफ्टेड एंड वेरी वेरी टैलेंटेड. सो आई एम रियली हैप्पी टू हियर ऑल दोस थिंग्स. एंड कमिंग टू माई दिस थिंग, मैं इंडियन आर्मी में 25-30 ईयर्स सर्विस करके आई बीन इन ऑल द बॉर्डर, सियाचिन ग्लेशियर, लेह लद्दाख, टेररिस्ट, आई थिंक नहीं, तो आई थिंक आई एम शॉर्ट अराउंड 10 or 12 टेररिस्ट को भी वो सब हुआ है. तो वो सब करके कारगिल लड़ाई में भी एंड जितने भी ऑपरेशन थे सब में मैंने हिस्सा लिया है, जबकि मैं हैदराबाद का हूँ, मैं कभी हैदराबाद में था ही नहीं, आई वाज रोमिंग अराउंड जंगल्स एंड वही जो देश का आज एक ही वो चिट्ठी आई वाला गाना बोल के मैंने बोला चलो हमारा भी एक गाना, दो लफ्ज आपने फौजियों का सुना दिया संतोष जी ने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. सो इट इज़ वन ऑफ द एंड लकीली आई टुक वॉलंटरी बट आई बीन सर्विंग द पीपल. सो मेरे को मौका मिला कोविड में अगेन, जैसे सीजीएचएस होता है जो मेडिकल का, तो मेडिकल का पूरा मैं ऑफिसर इंचार्ज, उसी टाइम कोविड वेव 1-2 और कोविड 1 वेव में तो आपको पता ही है ना, मास्क ना वैक्सीनेशन ये वो, लोगों को बचाना ही मेरा काम है. और मेरे पास 2 डॉक्टर, 1 मेडिकल स्पेशलिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, ये वो, मतलब वहाँ तो हमने बुलेटों से लड़ लिया, अब ये तो अनसीन एनिमी है, यहाँ तो आपको दुश्मन दिखता नहीं है, 2 मिनट में बंदा गिर रहा है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है. रात को मेरे को 2-2 बजे कॉल, सर मेरा मम्मी पापा को कुछ हो रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसे करते हैं, मतलब 24/7 हमने काम किया. और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब उन लोगों को कितने लोगों को हम बचा सकते हैं, और उससे ज़्यादा मेरा स्टाफ को बचाना चाहता, क्योंकि उनको जो लोग आ रहे हैं उनको भी पता नहीं कि उनको कोविड है. सो माई मेन एम वॉज टू सेव द स्टाफ एंड टेक केयर ऑफ देम विदाउट, जो पहले फर्स्ट कोविड वेव की बात कर, तो इट वॉज ए ग्रेट चैलेंज. तो फिर मैंने थोड़ा बहुत तो मेरा वो है कि थोड़ा रिसर्च किया, मैं बोला ये कोविड है क्या चीज़, फिर पता कर लिया कि ये इतना ये हैवी मॉलिक्यूल है, इसको कोई भी चीज़ लगा दो ये रहता है मर जाता है. तो आपने देखा ना टैल शीट ये वो सिंपल, तो आपने पूरा अपना क्लिनिक को इधर ही हमारा ECHS का मोटा मार्केट के पास पूरा वो कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया डिस्टेंस, तो बस अपने आप ही धीरे धीरे केस कम होते. और उसके बाद जो जो मेन टेक्नोलॉजी वो करके, लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन है लोग जो बोलते हैं ना, मतलब दे आर लूजिंग लाइफ फॉर नथिंग बट देन दे ऑल सर्वाइव, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. तो नहीं नहीं तो मतलब भगवान ने मेरे को ऐसा मौका दिया कि मैं डायरेक्टली जो भी है वहाँ, तो हम यूनिफॉर्म में तो चलो जो भी अपना ड्यूटी करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इतने लोगों को जितना बचाने का ऐसा सौभाग्य मिला, तो आई थिंक गॉड मैं ये शो वाज प्लानिंग दिस शो 4 महीने हो गए इसके पीछे, रात के 2-3 बजे मैंने गाना सुनना कहाँ जिंदगी उसको पकड़ी, तो ऐसे कर करके कर करके मैंने उनकी सॉन्ग निकाला है कि उसके साथ ट्रैक्स बोल बोलना, और सुबह तो हम 3 दिन रात जगे तब जाके पूरा फाइनल हुआ है. 3-4 घंटे का जो शो होता है उसके पीछे 4 महीने की मेहनत होती है, वो दिखता नहीं, अनसीन स्ट्रगल है. मेरा तो छोड़ो, श्रेया मैडम का तो बहुत है, एक एक गाने के लिए 10-10 ट्रैक को सेलेक्ट करना, उसमें से अच्छा निकालना,
वो काम है, बस हमको इनके म्यूजिक के माध्यम से खुशियाँ बांटना, प्यार को बांटना, यही मेरा मकसद है, उसी वो मकसद को मांगे रखे जाएंगे। हमारे जो उधर बैठे अरुण भाई है ना, वो कुछ बोल रहे थे, वो बोल रहे थे जो हमारा ग्रुप है वो बहुत सारे कार्यक्रम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन कोई ग्रुप है वो बोले, उनका ऑब्जर्वेशन है, मेरा नहीं है, उनका ऑब्जर्वेशन सही है। और सर जैसे हम लोगों ने सॉन्ग सिलेक्शन किया, एड्स वगैरह किया, मैं भी थोड़ा सीक्रेटली थोड़ा प्रिपेयर कर रहा था, मुझे डर था कि शेखर भाई भी कर देंगे ये प्रिपरेशन, बट लकीली मुझे चांस मिला है, मैं थोड़ा छुपा के रखा लेकिन टाइम नहीं मिला वो सब, तो हम बात नहीं कर नहीं पाए, लेकिन आई थिंक दिस इज द वेरी बेस्ट मोमेंट फॉर टू बी स्पोकन, एंड स्पेशली आपने जब आपके कॉन्ट्रीब्यूशन का पूरा जिक्र किया तो